सो राम जी की दुआ से बहुत अच्छे से अखंड रामायण हो गई बिना किसी रुकावट के, और अपने लिए ये मैं मेकअप का सामान, मेकअप किट लेने आई थी। मैंने आपको बोला था श्रृंगार खरीदना बहुत ज़रूरी है, तो श्रृंगार भी खरीदा, और अपने लिए एक बहुत सुंदर सी घड़ी भी मैंने खरीदी। और जस्ट डू शॉपिंग फॉर योर सेल्फ, और जिसे कहते हैं ना कि इसे आप अपने आप को पैम्पर करते हैं। और आज महिलाओं का दिन है, तीज का दिन है, आज झूला झूलना, घेवर खाना, घेवर तो नहीं खा पाई अभी तक क्योंकि व्रत है, तो व्रत खोला ही नहीं है अभी तक, प्रसाद भी रामायण का ग्रहण नहीं किया, फल खा लिए थे। सो आपकी तीज कैसी रही, प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बेहद ख़ास दिन है, कल 8 तारीख है, 8-8-8। मैंने उसको बताया कि आपको मैनिफेस्ट करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब 1-8 होता है तो इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, या 3-8 है तो देश और दुनिया के लिए कल का दिन भारी है, नेताओं अभिनेताओं के लिए कल का दिन भारी है, कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, कोई बड़ा मौसम से बड़ा विवाद कोई हो सकता है, और कुछ भी अच्छी खबर ना आए यानी होने के चांसेस कल बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप बाइक चलाते हैं, स्कूटर गाड़ी कुछ भी चलाते हैं, तो कल थोड़ा स्लो चलाएंगे, और घर से बाहर निकलने से पहले, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बस एक बात याद रखिएगा कि आप अपने मुंह में चीनी के कुछ दाने ज़रूर खा लें, और घर पे से जब निकले कल तो अपने सर पे थोड़ी सी पीली सरसों डाल कर निकलें, फिर आपके साथ कोई भी अप्रिय दुर्घटना नहीं होगी। आज किसी ने मुझे चूड़ियाँ भेजी थी और आपकी चूड़ियाँ मुझे मिल गई, और आपकी चूड़ियों के साथ साथ आपका प्यार भी मुझे मिल गया, मैंने चूड़ियाँ पहन लिया, थैंक यू सो वेरी मच। और अभी तक अगर आपने श्रृंगार का सामान नहीं खरीदा है तो ज़रूर खरीदें। जय माता।